देखिए, आपको वीएन से यह मालूम हो गया कि वीएन इज अबाउट व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव इन फ्यूचर इन द लॉन्गर रन. तो वीएन गिव्स अस डायरेक्शन. जब वीएन आप सेट कर लेते हैं और आप वीएन सेट करते हैं अंडर द लाइट ऑफ द एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस यू हैव कंडक्टेड, अब उस वीएन को परसू करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन भी होता है. असल में लव्स मिशन अगर हम देखें तो हम आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं. जब इसको हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं लव्स मिशन को, तो हमारी इससे क्या मुराद होती है? इससे मुराद होती है कि असल में कोई आदमी किस काम पर फोकस कर रहा है, उसका मकसद क्या है. बिल्कुल ठीक जनाब, इसी मानों में हम उसको बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं. तो मिशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, किसी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद. यानी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना रही है, वो रेल सर्विस दे रही है, वो एरोप्लेन सर्विस दे रही है, वो हेल्थ केयर सर्विसेज दे रही है, वो कॉस्मेटिक्स बना रही है, ये सब उसका पर्पस है. व्हाट इट वांट्स टू अकम्प्लिश इन द लार्जर एनवायरनमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एनवायरनमेंट की रोशनी में क्या करना चाह रही है. और फिर द बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन इज इन, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कारोबार कर रही है वो असल में उसका मिशन कहलाता है, जो कि एक बहुत अहम चीज है. अच्छा, अब जो मिशन है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, इससे पहले कि हम इसके ऊपर कुछ और डिस्कशन करें, मैं आपके सामने एक एग्जांपल. देखिए, हम लोगों ने वीएन में फॉरवर्ड स्पोर्ट्स का जिक्र किया था. अब मैंने मिशन में आपके सामने फॉरवर्ड स्पोर्ट्स का मिशन रखा है और उस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन रखा है विच इज परहैप्स द बेस्ट स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी इन द वर्ल्ड एडिडास, जिसको फॉरवर्ड स्पोर्ट्स फीड भी करता है. तो फॉरवर्ड स्पोर्ट्स का मिशन क्या है? एमिंग टू वर्क विद कोहरेंस ऑफ रिनॉन्ड ग्लोबल ब्रांड्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड एंटरप्रेन्योर्स. जबकि एडिडास का क्या है? टू बी द बेस्ट स्पोर्ट्स कंपनी इन द वर्ल्ड. अब आप गौर करें कि इन दोनों में क्या मामला. मुझे उम्मीद है कि आपको मिशन का जो बेसिक पर्पस है वो क्लियर हुआ होगा. थैंक यू वेरी मच.